अब यहाँ से मेरे को ले जानी है, तो लेट्स स्टार्ट। अरे बाप रे, इसकी बैटरी डेड है, मुझे पता ही नहीं था। अभी क्या करें, अभी तो कैसे हो आप लोग। तो अभी मुझे सुबह सुबह जाना है भाई को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने और वहां से स्कूटी वापस लाने, तो अभी थोड़ी जल्दी है तो पहले वही चलते हैं। फिलहाल हम ये वाली चप्पल ही लगा लेते हैं यार, स्कूटी बाहर रखी है। रुक जा रुक जा रुक जा। बाल भी ना सुबह सुबह धो ही नहीं, मतलब जल्दी से मुंह धोया और निकल पड़ा मैं। अभी बज रहे 8:20 और ट्रेन जो है वो है 8:30 बजे, मतलब 10 ही मिनट रहे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं ट्रेन पकड़ पाता है कितनी आएंगे, पकड़ो देखते हैं। फिलहाल हम 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंचे, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी हम आ गए यहाँ पे। और अभी यहाँ से दौड़ के जाना पड़ेगा, ट्रेन होगी नहीं क्या पता, होगी या नहीं होगी, नहीं होगी लगभग, होगी होगी मुझे लगता है, नहीं होगी। जाओ जाओ जाओ, बैग पकड़ो बैग पकड़ो। नहीं नहीं जाओ, नहीं है, होगी। स्कूटी बंद कर लेता हूँ तब तक यार, फिर स्टार्ट हो ना। लेट्स सी, अगर हुई तो देखते हैं अब क्या होगा, वैसे भी वेट ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब मैं चले जाऊँ, क्योंकि वैसे भी मेरा कोई फायदा नहीं है रुकने का। फिलहाल अभी कोई ज्यादा फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने का, तो मुझे लगता है मैं घर ही चलता हूँ, या फिर भी थोड़ा टाइम वेट करते हैं, देखते हैं अगर मिल गई तो सेटिस्फेक्शन। मुझे बिल्कुल नहीं पता ट्रेन मिली होगी नहीं मिली होगी, अब घर पहुँच के कॉल करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, एकदम गायब हो चुका है बैरजा, देखते हैं घर चलते हैं। फिलहाल कम्फर्ट रहता हूँ मैं यार, मजा आता है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। अरे बाप रे, इसकी बैटरी डेड है, मुझे पता ही नहीं था। अभी क्या करें, अभी किक स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके सो फिलहाल मैं भूल चुका था कि इसकी बैटरी जो है ना वो एकदम डेड है, मतलब नहीं है इसकी बैटरी में चार्ज, तो फिलहाल किक स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे। लेट्स सी पहली किक में हो जाए यार। हो गई हो गई, मुझे लगा था नहीं होगी, घर पे थोड़ी दिक्कत दी थी इसे स्टार्ट होने में, मुझे लगा था यहाँ पे भी नहीं होगी, बट ये हो गई। घर में इसने थोड़ा दिक्कत दी थी ना सुबह स्टार्ट होने में, मुझे लगा था अभी भी मैंने बंद कर दी थी, अब ये स्टार्ट ही ना होगी। ओके लेट्स गो, अभी घर चलते हैं। यहाँ पे एक हाथ से कंट्रोल करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं काफी स्लो चलाता हूँ जब मुझे शूट करना होता है। घर आ गए और गेट बंद है जी, फिलहाल गेट खोल लेते हैं। हाय हाय, ये भी बंद रखा है।
सो गाइस फिलहाल अभी मैं वहां से आ रहा हूँ वापस, और फिलहाल सुबह सुबह ना हड़बड़ी में एकदम मुंह धोया, जल्दी से उठा और जाके स्कूटी स्टार्ट की। सो अभी फिलहाल सो खांसी खराब नहीं है, खांसी मेरी ठीक हो गई थी। सो अभी मैंने नहा दो अच्छे से लिया है और मैंने थोड़े लाइट से कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि अभी ठंड भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और अभी दिन में भी काफी गर्मी रहती है, तो मैंने सोचा अभी टाइम आ चुका है थोड़े लाइट से कपड़े पहनने का। सो अभी मुझे पार्सल वाले का फोन आया था, अभी मुझे पार्सल लेने जाना है बाहर। सो अभी मैंने यहाँ पे पर्दे वर्दे हर कमरे के लगा दिए एकदम अच्छे तरीके से, इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। असली ये वाला जो कमरा है ना, इससे ही असली लाइट जो आती है, मगर मैंने इसी के बंद पर्दे लगा दिए तो लाइट नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रात जैसी हो रही है। फिर भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। सो गाइस फिलहाल मेरा पार्सल आया और मुझे वो ही लेने जाना है, देखते हैं कहाँ पहुंचा, वो अभी कॉल कर रहा था। सो दीपक जी और थोड़ा सा मतलब हटा रहे हैं ये और इन भर के अच्छे लिखे तो बोर्ड खोल एन आई टी ये आ गया जी हमारा पार्सल। ये नहीं है, अच्छा ये वाला कुछ देना है, पिन पिन देनी है। ये आ गया जी हमारा पार्सल, अब देखते हैं अंदर इसको खोल के, या नहीं खोलेंगे बाद में, बाद में खोलेंगे। हाँ थैंक यू थैंक यू, चलें शुक्रिया, अब चलते हैं वापस। सो अभी तक मैं थोड़ा अपना प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे कर रहा था बैठ के, और अभी मैं थक चुका हूँ काफी ज्यादा, अभी नीचे चल के देखते हैं और इफ्तार की तैयारी वगैरह करते हैं। ये देखो यार इफ्तारी के बाद फिरनी बनाने का काम ना मेरा ही होता है। ये हो गई तैयार और इसे करते हैं बंद बस। सो फिलहाल इफ्तार के लिए मैं चटनी बनाता हूँ, वो भी खुद, आज तक नहीं बनाई है पर आज बनाता हूँ, लेट्स ट्राई। आपने ऐसी चटनी कभी बनाई है वो भी खुद अपने हाथों से बिना किसी चीज के इस्तेमाल किए, और अगर बनाई है ना तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, इससे अच्छी बनाई है इससे खराब है, ऐसे थोड़ी बेसिक सी है फिर भी चलेगी। फिलहाल पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो नमाज पढ़ के आ गए और फिलहाल देखो यार मौसम क्या ही हो रहा है, बारिश पड़ रही है छोटी छोटी। तो फिलहाल अभी मैं अपनी बनाई हुई चटनी खाता हूँ। अच्छी बनी है यार। सो फिलहाल खा पी अच्छे से लिया है, सो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। होप सो आपको आज के ब्लॉग में मजा आया, अगर मजा आया ना तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूरी दबा के जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज।